नेक्स्ट गैंग इज निखिल्स गैंग। दूसरी थी निखिल सर की गैंग की परफॉर्मेंस, जिसके लिए हम सब एक्साइटेड थे क्योंकि वहाँ दो दो डांसर्स थे और हम लोगों को लगा कि जो भी बार वो सेट करने वाले वो फाड़ देने वाले हैं। लेट्स गो नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर। आपका नाम? मेरा नाम है निखिल चिनप्पा और मैं आर्किटेक्चर करता हूँ और कभी कभी डीजेइंग भी करता हूँ। रणविजय सर, मैं आपका दुनिया में सबसे बड़ा फैन हूँ सर। आपकी तस्वीरें मेरे पूरे घर में हैं, आपके चेहरे की तस्वीरें मेरे घर में हैं, आपके जूतों की तस्वीरें स्नीकर्स मेरे घर में हैं, आपकी बाइक की तस्वीरें मेरे घर में हैं। That's so sweet. यहाँ पे जो भी आता है ना वो बोलता है कि मैं ये भी टास्क कर लूंगा, वो भी टास्क कर लूंगा, लेकिन जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर होकर टास्क करने पड़ते हैं ना तो फिर पता चलता है। हाँ मगर प्रिंस, दैट्स नॉट फेयर। दैट्स ओए प्रिंस, क्या प्रिंस सर, थप्पड़ मार के टट्टी निकाल दूंगा। कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा लग रहा था रोडीज का ऑडिशन को लेके जो उन्होंने फ्रेम करा था। सॉरी रफ्तार सर, तो यहाँ पे बहुत सीरियसनेस हो गई है। I want some entertainment. रफ्तार देख। बॉडी बिल्डर है ना तू? हाँ मैं जिम जाता हूँ सर, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं पुशअप्स करता हूँ, मैं पुलअप्स करता हूँ, मैं मसलअप करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तेरा फॉर्म पढ़ा मैंने। तेरा बिगेस्ट फियर डांसिंग है। हाँ मुझे नाचना नहीं आता। ओहो रफ्तार। ऐसा वैसा डांस नहीं देखता है। I want to see ballroom. Ballroom dancing. जी हाँ। मैं जरा तैयार होके आ जाऊँ। निखिल सर को करना था ballroom dancing. मैंने आज तक उनको कभी डांस करते हुए ना सुना है ना देखा है। I am willing to go out of my comfort zone for my family, and this won't be the last time I'll do it on Roadies. Wow man. Oh. डांस जैसी चीज करना और जिस तरीके से उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो टास्क परफॉर्म किया, दैट वाज अमेजिंग। कम ऑन निखिल। निखिल बारी, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टूड, रोडीज का जर्नी हॉलीवुड में नहीं नॉर्थ ईस्ट में होगा और आपको बॉलरूम नहीं बिहू करना होगा। बिहू? फिर निखिल गया सोने और उसको आया सपना उसके सबसे बड़े डर का, बॉलीवुड। कभी खुशी कभी गम का पूरा स्टोरी बोला कि हम करेंगे पूरा उसको फनी वे में। हमारे पास सरदार जी शाहरुख खान थे और हमने निखिल सर को अमिताभ बच्चन बनाया था, विच वॉज वेरी फनी। ओए बादशाह देख क्या रहे हो, तुसी शुरू हो जाए। 1 2 1 2 3 4। इनका डांस का इतना तगड़ा चीज होगी ना कि हाँ लग रहा था कि काफी मेहनत करी है, जो इन्होंने पूरी लाइफ में चीजें करी है वो चीजें इन्होंने एक परफॉर्मेंस में जोड़ दी है। डैड मुझे प्यार हो गया। डैड परंपरा, तेरे दादा ने रईस फैमिली में शादी की थी, हमने भी बड़े फैमिली में शादी की थी, तुम भी बड़े फैमिली में शादी करोगे, परंपरा। बीच में महकदीप एंड शुभदा एज इन शाहरुख खान का जो डांस करते हैं अपना अच्छा सा, जो शुभदा ने डांस करा बिल्कुल परफेक्ट पॉइंटेड डांस को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। हाय रब्बा, सारा खानदान आ गया, ये पू किधर है? पूजा। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई ना तो मुझे ये लगा कि बिहू कहाँ था भाई, ये शायद भूल ही गए कि हमको बिहू भी डालना था। नेक्स्ट गैंग प्रिंस बेसलाक। कैसे हो तुम? शोले किस किसने देखी है? सबने देखी होगी ना, उसी में बस हमने थोड़े से कैरेक्टर्स को अलग कर दिया। जो गब्बर है वो थोड़ा पागल है।
ठीक है? तो ये जो मेरा गैंग है उसे जूझ रहा है कि इसको कैसे समझाएं, उसको गिनती नहीं आती, उसे कुछ नहीं आता, उसको हिसाब का नहीं पता। तो अब आकर आपके आगे भी परफॉर्मेंस करूंगा, तो आप देखना आप कैसी लगी, और अगर हंसी नहीं भी आए तो हंस लेना भाई। सरदार सुधार 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 कितने आदमी थे? सरदार सरदार दो आदमी थे। और वो? अरे सरदार उन्हीं की तो बात कर ली रहा है, हम तो तीन है ना। वो दो और तुम तीन, मतलब कि उनका एक ज्यादा था है? नहीं सरकार, हमारा एक आदमी ज्यादा था, हम तीन थे। तुम तीन वो दो, मतलब अगर हम में से एक कम हो जाए तो लड़ाई बराबर की होगी। अरे नाना सरदार नाना, अगर उनका आदमी एक बढ़ जाए तब लड़ाई बराबर की होगी ना। अच्छा वो दो तुम तीन एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कौन था रे, एक्स्ट्रा कौन था? अरे बिरजू बता तूने ऐसा क्यों किया, जब ये दोनों लड़ने जा रहे थे शादी थी क्या? अरे सरदार मैं वहां पर बीजू थोड़ी खेलने गया था, मैं तो वहां पर सरदार आप ही ने तो कहा था दो के बेहतर तीन होते हैं। अच्छा मैंने कहा था दो से बढ़कर तीन? अरे दो कितने होते हैं रे सुधार? ये एक और ये दो, जब एक और एक आपस में जुड़ जाते हैं तो ये दो बन जाते हैं। अच्छा और फिर जो तीन कितने होते हैं रे? अरे सरदार उन्हीं दो में एक गुजर जाओ तो तीन होते हैं सरदार, तीन होते हैं। अच्छा दो और तीन, अरे बहुत कंफ्यूजन है इस हिसाब में, बहुत कंफ्यूजन है। ना 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 हमको समझ नहीं आता। अरे सरदार कोनो कंफ्यूजन ना है, कोनो ही कंफ्यूजन ना है, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि पूरे गांव में एक ही आदमी था जो सबसे ज्यादा समझदार था, पता है क्या नाम था उसका? क्या? निखिल चप्पा। चप्पा? निखिल चप्पा। और उसको आपने मार दिया, पता है क्यों? आपने उससे पूछा एक और एक कितने होते हैं, वो कहा दो, तो आपने उसको दे डाला। अब क्या बीहू खेलोगे? तो ठीक तो किया। मैंने बोला एक और एक कितने होते हैं, उसने बोला दो, मैंने दे दिया। अरे सरदार बाकी बात छोड़ो, मैं बता रहा हूँ वहां पे बीहू का नृत्य चल रहा है। अच्छा और पता है वहाँ कौन आया है? कौन? बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया। कौन 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 कौन? नेहा 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 धूपिया धूपिया धूपिया। और सरदार आपको पता है लास्ट सीजन जब आप हारे थे जिस रफ्तार से हम भागे थे उसी नाम का एक रफ्तार आया है सरदार। रफ्तार? रफ्तार मालूम है कौन है? कौन है? हाँ कौन है? रफ्तार मारेगा, रफ्तार मारेगा। बस सरकार वहाँ एक और आदमी आया है। कौन? नाम तो मालूम नहीं सरकार, दिखने में बुजुर्ग लगता है। बुजुर्ग बुजुर्ग लगता है, बहुत मजा आएगा, चलो फिर डांस शुरू करते हैं। प्रिंस सर ने अपने एक्टिंग और बातों से ऐसा अपने क्राउड को एंगेज किया, कहीं ना कहीं मेरे को प्रिंस सर की परफॉर्मेंस में प्रिंस सर के अलावा कोई भी नहीं दिखा। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी था, तो मुझे ये था कि क्या इम्यूनिटी मिल पाएगी, क्या हम ये टास्क जीत पाएंगे। नेक्स्ट गैंग है रफ्तार का गैंग। व्हाट्सअप असम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं आपका बंधु रफ्तार। हमने देखा एकदम से आता है स्टेज पे सोनू और उसकी शक्ल देखकर हम सब लोग हंस रहे, वो इतना ऐसे मैस्कुलिन सा बंदा है और उसने लिपस्टिक लगाई हुई है। मैं असम में अपने साथ कुछ सितारों को लेके आया हूँ एक पिक्चर बनाने। ओ, क्योंकि असम जैसी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। क्या बात है। पिक्चर का नाम है होकती हाली घोनिया। रफ्तार सर ने बोलना शुरू करा असमीज में, हम सारे हैरान। गिजिया के मोहदी मोदाही, गिजिया के मोदाही गोहेनिया के ओक्ती।
रफ्तार सर की आसामी सुनते ही सारे बौखला गए, सारे गैंग लीडर्स तो एकदम सुन्न से हो गए। यानी कि पति शराबी, पत्नी परेशान, दिक्कत घमासान। हेतु कहानी सौंक गोहेनिया के माने ने ना माने। मुझे तो पहले ये था कि शायद कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही थी लग रहा था कि सीरियसली असामीज ही बोल रहे हैं। अगला सीन स्टार्ट होगा अब। एक्शन म्यूजिक। सोनू इज द वाइफ। वो सोना, वो सोनी। बीहू का तो बी भी नहीं था वो, बट टेक कर बहुत मजा आ रहा था और क्राउड बहुत एंजॉय कर रहा था। तो ये है हमारी गोहिनिया, ये हमारे गिलियक। कैसे लगे आपको जोड़ी? क्या बात है, हमारी पिक्चर में रोमांस है, एक्शन है और एक आइटम नंबर भी है, क्योंकि मैं आया हूं तो बनता तो है। नाउ सीन टू रेडी। अभी क्या हुआ है एक्चुअली, जो बीवी है वो मान गई है। हाँ, आपने देखा बीवी मान गई है। हाँ, गोहेनिया के भुजी पाले है, गिरिया के मोशोमोर का था। अब एक्शन। स्वामी मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ स्वामी। और तू तो है ही फंसने लायक, अच्छा है किसी के तो आया था ही। स्वामी वो सब छोड़ो, अभी मुझे बचाओ स्वामी। एक मिनट रुक जा। और लुंगी ऊपर हो गई, सॉरी। अब ये करके दिखाओ। ओके, इसे कहते हैं हॉकती आली गुनिया। अब जब इतना कुछ हो गया पिक्चर में, बीवी ने पति को बचाया, तो एक आइटम नंबर तो बनता है क्योंकि रफ्तार आया है। क्या बोलते हो? ये रफ्तार। The show belonged to रफ्तार सर। वो पूरा इम्पैक्ट रफ्तार सर ने क्रिएट किया, जो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट उन्होंने करा, वो रैप से लेके, डांस से लेके, एंटरटेनमेंट से लेके, सब कुछ उनका एकदम सुपर से ऊपर था। वो अमार लोकात इत्यान नासोत। नमस्कार असम, हम अगली पिक्चर बनाने आपके शहर जरूर आएंगे। शुक्रिया। तो मेरे माइंड में ऑलरेडी एक बात आएगी, शायद रफ्तार सर जो पब्लिक को इंक्लूड कर गए, कहीं ये इनके लिए एडवांटेज ना हो जाए, कहीं सोनू की लड़की बनना भी उनको एडवांटेज ना मिल जाए। चारों की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अब हमारा टाइम आ चुका था कि कौन विनर रहेगा, किसको इम्यूनिटी मिलेगी, किसकी टीम पूरी सेफ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस। आप लोगों ने कमाल कर दिया, रोडीज अमेजिंग बट गैंग लीडर्स वाओ। ये था आपका स्प्रेमेंट बिहू बली टास्क। सर कैन आई हैव योर क्यू कार्ड जिसपे सारे पॉइंट्स लिखे हैं? थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां सर के लिए। यहाँ पर एक सरप्राइज है गिलन के पास। गिलन, व्हाट इज इट? जो कोई भी सबसे क्यूटेस्ट परफॉर्मेंस करता है, उसको मेरी तरफ से एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज मिलने वाला है। और सरप्राइज क्या है गिलन? सरप्राइज ये है कि आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक बहुत ही टाइट हग और एक बहुत ही स्वीट किस। The special surprise from me goes to the one and only
सोनू। वेरी वेल डन सोनू। थैंक यू। कह रहा मुद्दे पे आते हैं सीधा। गेलन ने एक पप्पी दी गाल पे, एक मतलब ठंड पे गई दिल में, मजा आ गया एकदम। Red as a t-shirt. Gailen, thanks a lot. Thank you very much. Taliyan, Gailen, Gailen. Thanks, guys, and all the best. You all were great. Thanks, Ranvijay. Thank you. See you. How does it feel, yaar? Itna perform karne baad, Nikhil, this is the first time maine aapko dekha, aur main kafi time se aapko dekh raha hu. Maine aapko itna out of character kabhi nahi dekha, and you were there 100%. What made you do it? रोडीज में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुका हूँ पिछले साल भी, जो मैंने खुद से एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंड टुडे क्योंकि मेरे गैंग में इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं, आई फेल दैट आई हैड टू रेज माय स्टैंडर्ड्स एज वेल एंड मैच अप टू देयर्स, एंड आई होप आई डिडंट लेट यू गाइस डाउन। यू परफॉर्मड अमेजिंग सर। आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग, आई वांट टू पुट दिस ऑन योर नेक बिकॉज यू डिजर्व द रिस्पेक्ट। ये यहाँ का ट्रेडिशन है, जब हम यहाँ पर आए थे लोगों ने हमें रिस्पेक्ट से दिया था, मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो रफ्तार, तुमने जो आज लैंग्वेज पकड़ के किया है ना, ये हम में से यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। और ये नहीं कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, पंच पे पंच, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोगों के रिएक्शन से पता लग रहा है कि ये सही बोल रहा है। और उसके बाद व्हेन यू परफॉर्म ना ब्रदर, यू आर अ परफॉर्मर, अमेजिंग। पहली बार तुमने रोडीज पे ऐसा किया, एंजॉय किया आपने इस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रिंस ने अच्छा परफॉर्म किया, निखिल को रिस्पेक्ट मिली, नेहा ने वो किया जो उसका फोर्टे था, सबसे इंटेलिजेंट चीजें किए, और रफ्तार सही था। रिजल्ट्स देखने का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चारों को कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, बिकॉज द रिजल्ट्स आर सो क्लोज। बट बिकॉज ये रोडीज एक्सट्रीम है, मैं आप लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ। ये जो रिजल्ट है ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, बट आप चारों गैंग लीडर्स के पास एक पावर है कि आप बिफोर द रिजल्ट किसी एक को इस रेस फॉर इम्यूनिटी, इस जीत से अलग कर सकते हैं। सिर्फ रोडीज ही नहीं, पूरे गैंग लीडर्स ये सुन के सब हक्के बक्के हो गए, शॉक हो गए। ये जो इतनी मेहनत हमने की है, हमारे गैंग लीडर ने की है, ये तो सब वेस्ट चली जाएगी। बट वो आप तीनों का यूनैनिमस डिसीजन होना चाहिए। कौन सा एक गैंग लीडर है जिसके हटने से आपका इम्यूनिटी जीतने का चांस बढ़ जाता है, आप चारों को डिसाइड करना है। To vote out one gang from the running, I thought it was a little unfair. Not today, Ran. Sabne bahut mehnat ki. Not on a day like this. Of course, on a day like this is very important. Aaj sabne itna kuch kiya. It's gonna be heartbreaking to do this today. क्योंकि आज आपने लोगों के साथ थोड़ा rehearsal क्या कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि roadies ने इस दिन की practice नहीं की है. Every day is very important, नेहा. मैं सीधा अगर दे दूँ, बहुत आसान हो जाएगा. This is an opportunity for four of you कि एक को साइड कर दो, अलग अलग नहीं, आप बात कर सकते हो, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। वो परफॉर्मेंस सीरियसली कंपटीशन जैसा नहीं था, उस परफॉर्मेंस में कंपटीशन निकालना था। हम लोग शायद काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम किसका नाम लिखें, किससे बात करें, कि कौन सी गैंग को बाहर निकालना है। मेन चीज जो मैटर करती है वो ये करती है कि आपके सबसे ज्यादा दोस्त किस दूसरी टीम में है, क्योंकि जब आगे नौबत वोट आउट की आएगी तो जिस टीम से आज मैं पंगा लूंगा ना, तो समझ लो उस पूरी टीम से तुम पंगा ले रहे हो। जो रिजल्ट है वो पीयू स्टेप्स भी देखेंगे, हमारा चाहे भंगड़ा चल रहा था पीछे, हमारा पूरे बीहू स्टेप्स थे, पूरे डांस में उस बीहू स्टेप्स, बीहू डांस का, तो उसमें तो हमने पूरा कवर अप किया, और हमारी स्क्रिप्ट भी फनी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने किया। तो ठीक है, वहाँ देख कर कैसा वो, ठीक है ठीक है। आई थिंक आई मेड अप माई माइंड, बट यू गाइस टेल मी।
सब हमारा नाम देख रहे हो तो गैंग लीडर के साथ अलायंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करना चाहिए? ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे एटलीस्ट वी कैन एलिमिनेट द वीकेस्ट। मतलब आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग दैट वी डिड रियली वेल। हमने बहुत अच्छा किया। मुझे भी लगता है। I've got your point of view in my head, but one thing I want to tell you is whatever I'm doing, believe in it. And if I'm going against anybody, remember we all have to go against. हमारे गैंग ने कहा कि एलिमिनेट द फोर्थ, द गैंग दैट वी थिंक इज कमिंग फोर्थ, और उनका ओपिनियन है और मेरा भी ओपिनियन ये है कि क्योंकि उन्होंने व्यू किया ही नहीं और ये टास्क और फिर रणवीर जैसा ने पूछा कि किसको कॉर्नर करना है। आप सब ने अपने गैंग के साथ बातें कर ली है, शायद आपस में भी बातें कर ली है। इज देयर अ डिसीजन? अगर सामने नहीं है, आई कैन मेक इट इजी। मैं तो यहाँ पे सिंपल करने आया हूँ चीजें। मैं आप चारों को एक एक क्यू कार्ड देने वाला हूँ। उस गैंग लीडर का नाम लिखिए जिसको आप कंपटीशन से हटाना चाहते हैं। अगर तीन लोगों की सहमति होगी तो वो गैंग लीडर इस कंपटीशन से हट जाएगा और जो भी उनके बाद नंबर टू होंगे वो जीत जाएंगे। लिखने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर टाई हुआ या तीन लोगों ने एक का नाम नहीं लिखा हुआ तो किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इस चीज पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था क्योंकि जिसको हम एलिमिनेट करते शायद उसके साथ हम आगे अलायंस ना बना पाते और हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि किसके गैंग लीडर को वो एलिमिनेट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं काफी डरा हुआ था कि कभी सबने प्रिंस सर का नाम लिख दिया और प्रिंस सर की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है सबकी नजरों में, कहीं ऐसा ना हो कि हम कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो जाए। शुरू करेंगे नेहा से। नेहा, आपने किसका नाम लिखा है? रफ्तार। जब मैंने रफ्तार की परफॉर्मेंस देखी, वो जो भाषा उन्होंने पकड़ी थी, इट लेफ्ट मी वेरी थ्रेटन्ड। और अगर अपने गैंग को बचाने के लिए मुझे किसी तगड़े कंपटीशन को निकालना पड़े, आई मीन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू रफ्तार। किस गैंग के जाने से आपके चांसेस बढ़ेंगे? निखिल्स गैंग। क्यों? Because वो जो अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के आए और उन्होंने जो किया है, जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को लगता है वो एक थ्रेट है मेरे लिए। प्रिंस। मेरे गैंग ने नाम दिया है रफ्तार का गैंग का, और उन्होंने बोला कि उनके गैंग में जो पीहू था वो बहुत कम किया गया था, तो सिर्फ इस वजह से हमने रफ्तार के गैंग को वोट किया। रफ्तार? सिर्फ रफ्तार ने कम किया आपने पीहू? ओपनिंग सीक्वेंस ही बहुत आया सिर्फ। मैं अपने कम लगा, प्रिंस को कम लगा। तो लोगों ने रफ्तार लिखा है। अगर तीसरे में रफ्तार होगा तो रफ्तार आप ऑब्वियसली निकल जाएंगे इस कंपटीशन से, लेकिन अगर वो अलग होगा तो बच जाएंगे। हाँ जी। निखिल। रफ्तार। क्यों? जो प्रिंस का गैंग का ओपिनियन था कि उनके गैंग का जो बिहू परफॉर्मेंस था वो थोड़ा कम था और उतना अच्छा नहीं था, दैट वॉज अ नेगेटिव फॉर एक जज। दूसरे जज थे आप, और हम सब समझते हैं कि आप बहुत इंप्रेस थे कि उन्होंने आसामीज इतनी अच्छी तरह से सीखी है, तो आप उसको बहुत ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। गेलिन, वी डोंट नो हाउ शी इज गोना थिंक, सो वी टुक अ चांस और हमने रफ्तार का नाम लिखा है। और मैं ही नहीं आया हूँ इस साल भी, वैसे भी तो बेटर, इट्स ईजी।
आपको ऐसा लग रहा है कि आप नया आए इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, इट कैन बी एनीथिंग बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रीजन, नॉट इवन वन. सो आई गेस इट काइंड ये हेल्प करती है इस बात में थोड़ा कि नया है. रफ्तार, हम दोनों गैंग्स की रीजंस मोर और लेस सिमिलर हैं. मैं उस रीजन के हिसाब से देखूं तो मैंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करी है, विच आई अप्रिशिएट व्हाट नेहा सेड ब्लेटेंटली. द कंपटीशन एंगल आई लाइक इट, बट बिहू कम किया दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज ओपनिंग सीक्वेंस ही मेरा पूरा बिहू था, देन आई डिड अ बिहू एज वेल विच आई थिंक वॉज एनफ. हम चाहते हैं कि इस बार इस कॉम्पिटिशन में जिस गैंग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, हाँ जी, उसी को इस टास्क में इम्यूनिटी मिले. हम चाहते हैं कि वी डू दिस विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट. गैंग के लिए लड़ने के लिए बहुत मौके मिलेंगे. डेफिनेटली. पहली चाल जो रोडीज में मैंने देखी कि क्या होता है ट्रिकरी, व्हाट इज द गेम प्ले. तीनों ने चूज किया कि रफ्तार को नहीं जिताना है. रफ्तार, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपके गैंग को आज इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. आपको आगे इम्यूनिटी के लिए लड़ना पड़ेगा. हाँ जी. हम इतने खुश थे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, एंड ऑल ऑफ अ सडन नो इम्यूनिटी इवन आफ्टर सच अ गुड परफॉर्मेंस. रिजल्ट मेरे हाथ में है. नंबर 4 पे है नेहा आपका गैंग. नंबर 1 पे था रफ्तार आपका गैंग. अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा. हाथ में आने वाली एक इम्यूनिटी जो मेरी पहली चांस थी वो चली गई. अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरी टीम जो अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील कर रही थी कि सर एंटरटेनमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते, उस टास्क में वो फर्स्ट है. हम जीत चुके थे पर फिर भी नहीं जीते. दिस वॉज द वर्स्ट फीलिंग एवर. आप कॉम्पिटिशन से हट चुके हो, इसका मतलब प्रिंस और निखिल में से एक गैंग को मिलने वाली है पूरी इम्यूनिटी. हमें लग रहा था कि शायद हम ही जीतेंगे क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डांस इंक्लूड करा था, जो इस कॉम्पिटिशन में एक्चुअली नंबर 2 आए वो हैं प्रिंस का गैंग. इंसान एक सेकंड से जीते या 10 सेकंड से, जीतने वाला इंसान ही याद होता है और हम जीत चुके थे तो बहुत ही खुशी हुई. प्रिंस, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेकंड आकर भी हार कर भी बाजी जीत गया, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया वो बाजीगर वाली चाल थी. उसकी वजह से जो आपके 4 गैंग के मेंबर्स हैं पहली बार गैंग में आकर इम्यून हो गए हैं. We were actually third, not even second. I didn't think we were that bad. रफ्तार, according to BU expert, according to me और गिल, ये हमारा रिजल्ट था. चलो, so Neha, I like your point better. मैं आज नेहा से सहमति रखता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने मेरे को डाला है उस जोन में तो मुंह पे बोल के डाला है. और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्रिंस और निखिल भाई आज उनका रीजन ठीक नहीं था. That's it. Congratulations, gang, Prince. आप चारों को मिलती है इम्यूनिटी. बाकी सब यू स्टिल हैव अ चांस टू फाइट फॉर इम्यूनिटी और ये होगा कल. दिस इज रेनो MTV रोडीज एक्सट्रीम powered by Oppo F7, co-powered by ID Shoes and Durex. Wapas jaiye apne campsite. I'm going to see you guys tomorrow. See you. जीतने के बाद हम कैंप लोकेशन पे वापस आए. Dude, जब हम वापस पहुंचे तो एक ऐसी चीज हुई जो नहीं होनी चाहिए थी. गद्दा का है चौथा. बेड किधर है? 2 मिसिंग है ना? नहीं, 1 मिसिंग है. बाकी लोग कहाँ हैं? चल पूछते, कोई गद्दा तो नहीं लगे हमारा चुरा के. हमारे टेंट से गद्दे गायब थे. एक सेट ऑफ गद्दा, कंबल और पिल्लो गोल था ही नहीं.
मैं गई, मैं हड़बड़ा गई, ये क्या हो रहा है? मैंने सबके टेंट में जाके देखा। यार तुम लोगों के कितने गद्दे हैं? एक गद्दा है। नहीं पता चोरियों का हमारे किसने उठाया? नहीं पता किसने उठाया। कंबल की पिलो भी नहीं है, एक पूरी बंदे की पूरी बेडिंग मिसिंग। हाँ, दिस इज नॉट हैपनिंग, वी हैव टू टॉक। इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दिस इज नॉट डन, ये नहीं हो सकता, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम कंफर्टेबल नहीं होता, वी आर नॉट कंफर्टेबल। हम सोच रहे थे यार कैसे सोए, ऐसे ही मोटी सुरभि थी वहाँ पे, वो अकेली तीन तीन बेड ले लेती। ओह माय गॉड, हम तो पूरे कंफ्यूज थे क्या होगा। गाइस तुम लोगों का भी गद्दा नहीं है। एग्जैक्टली, वी डोंट इवन हैव द ब्लैंकेट। बाकी ओके, तुम्हारे तुम्हारे मम्मी को लगा हमारा कुछ लेकर एक स्पेशल रीजन से। तुम्हारा भी नहीं है? हमारे भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ब्लैंकेट और पिलो भी नहीं है। यार सोएंगे कैसे? आई कैन नॉट डू दिस विद माय स्लीप। माय स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। I don't know, अब सोना कैसे है, इतनी ठंड भी मुझे तो लग रही है। सभी का मूड बहुत ऑफ था, तो भी रणविजय सर का मैसेज आया ओप्पो F7 पे। आई स्क्रॉल ऑन। वेलकम बैक टू योर टेंस रोडीज। आज का दिन काफी लंबा रहा है और आई नो आप सब सोने के लिए उतावले हो रहे हैं। सुपर स्लीपी। पर सोने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये रोडीज एक्सट्रीम है, तो इस साल सिर्फ टास्क और ट्विस्ट ही नहीं पर रोडीज की जर्नी भी एक्सट्रीम होगी। अब क्या हो गया यार? एंड टू मेक योर नाइट्स कंफर्टेबल, मैंने हर एक टेंट से बेड्स गायब कर दिए। गुड लक एंड गुड नाइट रणविजय। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कौन शेयर करेगा उस मोटी सुरभि के साथ बेड? उस पागल आत्मा को कौन जगा देगा? मैं तो नहीं लेने वाला था, मैंने बीच में जाके अपना एक अकेले का बेड ले लिया। कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं सो गया था।